वेलकम टू माई चैनल दिस ब्यूटी हैक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप कोई कमेंट करते हो उसमें मैम मैडम ऐसे भारी भरकम वर्ड मेरे लिए मत यूज करो। आप जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हो उसी तरह मुझे कमेंट में लिखो। और चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक न्यू रिक्वेस्ट आई थी लिपस्टिक के लिए, होममेड लिपस्टिक के लिए, तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कई तरह की बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नेचुरल है वो, इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 20 वैक्स। और इसमें अब मैं डालूंगी शिया बटर। मैं इस वीडियो के लास्ट में सारे इंग्रेडिएंट्स का पिक्चर भी पोस्ट कर दूंगी, जिसे आपको कुछ समझ ना आए तो आप वहाँ देख सको। और इसके बाद आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, इन तीनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसके लिए मैं इसे गर्म पानी में रखूंगी ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाएं तीनों और अच्छे से मिल जाएं। अच्छे से मिलने के बाद हमें इसमें मिलाना होगा कलर। नेचुरल बना रहे हैं हम पूरी तरह, तो आप कलर के लिए डाल सकते हो। ये है फूड कलर और ये है बीट रूट पाउडर। बीट रूट पाउडर आप अगर मेरे सब्सक्राइब किया हुआ है आपने मेरा चैनल, तो आपको पता होगा मैंने कैसे बनाया था। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बीट रूट पाउडर मिलाया था। इसे हम इसमें मिला सकते हैं। मैं ये वाला मिक्सचर 20 वैक्स वाला थोड़ा ले रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट लिपस्टिक बनाऊँगी उसमें भी मुझे इसकी ज़रूरत होगी। तो इसमें मैं ये रेड कलर का फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहो तो रोज़ पाउडर डाल सकते हो, हल्दी डाल सकते हो, और क्या डाल सकते हो, रॉ कोको पाउडर डाल सकते हो। सो ये कलर मैं इसमें मिला के इसको फ्रीजर में रख देंगे। ये पूरी तरह नेचुरल है, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा किसी भी तरह का और किसी को भी। सो मैं इसे फ्रीजर में रख देती हूँ। अब हम जो तक देखते हैं नेक्स्ट वाला लिपस्टिक। इसके लिए मैंने ये लिए हैं क्रियोन कलर, जिसे हम मॉम के कलर भी बोलते हैं। आप इसे लेने से पहले ये बात ज़रूर देखें कि ये नॉन टॉक्सिक है। ये बिल्कुल, ये वैसे बहुत सी ब्रांड होती हैं वो ये सही बनाती हैं, क्योंकि बच्चे इन्हें मुंह में डाल लेते हैं, फिर भी ये पूरी तरह नेचुरल नहीं है। अगर आपके लिप सेंसिटिव हैं तो आप बिल्कुल मत यूज करें ये। सो इसे आप, अगर ये आपके नहीं पिघल रहा है और माइक्रोवेव नहीं है आपके पास, तो आप गैस में गर्म पानी रखिए, उस पर ये कटोरी रखिए, तो आपका पिघल जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके लिए हमें चाहिए लिप बाम। मैंने ये ब्लू एवन की छोटी सी 5 रुपए वाली लिप बाम ली है। आप चाहो तो ये लिप बाम भी ले सकते हो। आपको याद आया ये लिप बाम कौन सी है? ये है होममेड लिप बाम जो मैंने बनाई थी। आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं येलो वाली ब्लू एविन की लिप बाम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे गोल्डन कलर में चाहिए। वैसे तो हम आई शेडो जिस कलर का मिलाएंगे इसमें, ये आई शेडो वाली है लिपस्टिक, तो हम आई शेडो जिस कलर का मिलाएंगे उस कलर की हो जाएगी। तो आप वाइट लिप बाम लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, बट मैं ये येलो ले रही हूँ फिलहाल। अब इसमें मैं मिलाऊंगी येलो आई शेडो। अब तक हम नेचुरल लिपस्टिक देख चुके हैं, रंग वाली लिपस्टिक देख चुके हैं, और ये है आई शेडो वाली।
लिप बाम में आप ये आई शैडो अच्छे से मिलाइए। आप आई शैडो यूज करने से पहले आप ये देख लें इसमें सेफ आयरन ऑक्साइड है या नहीं, ये पूरी तरह नेचुरल या नेचुरल है ही नहीं, ये आपकी मर्जी है आप यूज करना चाहते हैं या नहीं। नेचुरल वही होगी जिसमें आप बीट रूट पाउडर या फिर रोज पाउडर या फिर हल्दी पाउडर कोई ऐसी चीज़ डालते हो। सो इससे ये प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब मैं वैसलीन लूँगी। आप वैसलीन की जगह कोई भी लिप बाम ले सकते हो या फिर वाइट लिप बाम ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। इसमें मैं ये पर्पल आई शैडो डाल रही हूँ। सबसे बड़ा पंगा होता है इनको अच्छे से रखने का। मेरे पास कुछ छोटी डिब्बी नहीं है तो मैंने भी मंगवाई हैं। आप चाहो तो छोटी डिब्बी मंगवा सकते हो जिनमें आप लिपस्टिक, काजल या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप बनाते हो वो आप सेव कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप चाहो तो मंगवा सकते हो। इनमें से एक लिपस्टिक को मैं मैट बनाना चाहती हूँ, उसके लिए आपको मिलाना है बस कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर। आप चाहो तो साइनर भी यूज कर सकते हो साइन के लिए, बट आई शैडो वाले में तो ऑलरेडी साइन है तो उसमें तो हमें ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल वाले में या फिर उस कलर वाले में यूज करना चाहो साइनर तो कर सकते हो। मैं इस पर्पल वाले में ये फाउंडेशन पाउडर मिला रही हूँ। आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए इतने सारे लिपस्टिक में? तो चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने सबसे पहले बनाया था रेड वाला जिसमें हमने मिलाया था बीस वैक्स, सिया बटर, एलमंड ऑयल और फूड कलर जो कि ये रेड वाला था। नेक्स्ट मैंने मोम की कलर वाला बनाया था जिसमें मैंने मिलाया था बीस वैक्स, सिया बटर, एलमंड ऑयल और कलर क्रियॉन मिलाया था। और थर्ड मैंने बनाया था
जिसमें मैंने आई शेडो मिलाया था लिप बाम के साथ और आई शेडो मिलाया था वैसलीन के साथ। इन सब का कलर प्यारा ही आएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको मेरे वीडियो जल्दी से मिलें और आप मुझसे कनेक्ट हो पाओ और लंबे समय तक जुड़े रहो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।